हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये गुलमर्ग की पिक्स हैं, दिस इज़ गुलमर्ग। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं, ये लास्ट विंटर की पिक्स हैं कुछ, तो आपसे। और ये गुलमर्ग में जो गंडोला है, ये उसकी पिक्स हैं, उसका व्यू है। एक्चुअली ये कुछ विंटर्स की पिक्स थी मेरे पास, लास्ट विंटर्स की, तो सोचा आपसे सबसे शेयर करूं। और अभी हम यहाँ पे गुलमर्ग जो में गोंडोला है उसमें, मतलब उसमें थे ये। गुलमर्ग गोंडोला इज़ जम्मू एंड कश्मीर इन द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग केबल कार। और यहाँ पे ये फेज़ 1 और फेज़ 2 है। और इसकी, चलो आप हमारे साथ एंड फुल ऑफ जर्नी इन द केबल कार गोंडोला एट गुलमर्ग। और ये देखिए, ये इस टाइम स्नो कितनी खूबसूरत लग रही है, ये स्नो हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। और आई होप कि मैं इस विंटर्स में भी यहाँ पे होंगी, तो मैं ज़रूर इस गुलमर्ग की आपसे शेयर करूँगी वीडियोस। लेकिन ये लास्ट विंटर्स की थी, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और ये जो ये गंडोला है, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 तक ये जाता है। और ये बहुत खूबसूरत, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो मैक्सिमम टाइम हम जो है फेज़ 1 तक ही जा पाते हैं, फेज़ 2 नहीं जा पाते क्योंकि वो क्लोज़ हो जाता है। और गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इन कश्मीर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बाहर से देखने के लिए, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं गुलमर्ग जाऊँ और वहाँ पे आपको समर्स की पिक्स दिखा सकूँ, समर का पूरा व्यू दिखा सकूँ। इस टाइम ये विंटर का है, जो विंटर होता है कश्मीर में, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, -डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। और ये देखिए, ये सारा जो है ये फेज़ 1 का है। और ये स्नो, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो यहाँ पे विंटर्स में भी आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जो गुलमर्ग है इज़ 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टनमर्ग। टनमर्ग इज़ लोकेटेड बाय द बेसिक ऑफ द माउंटेन होस्टिंग गुलमर्ग, एंड गुलमर्ग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इन कश्मीर। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में, जो पास नियर अबाउट में जो लोग रहते हैं, वो आते हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, विंटर्स में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन समर्स में तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए सारा जो ये है, ये स्नो कितनी पूरी, मतलब एक तरह से बिल्कुल वाइट। ये इस टाइम विंटर में तो पूरा ग्रीन लगता है, और इस टाइम ये विंटर में आप देखें, समर्स में पूरा ग्रीन होता है, और विंटर में आप देखिए पूरा स्नो से मतलब भरा हुआ है। और अच्छा लगता है ये सब कुछ देखना। जो लोग कश्मीर में आते हैं घूमने के लिए, वो ज़रूर यहाँ गुलमर्ग में आए, गुलमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है।
डार्क है और इसमें डर आया, तू आ जा यहां से। लोग यहाँ पे स्कीइंग भी कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके स्कीइंग करना, गोंडोले पे जाना, एंजॉय करना। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, मैंने तो कभी अपने राइड में कभी नहीं किया है। और ये देखिए